जीन्स के बारे में पढ़ा था ना मैंने पिछले साल, जीन्स क्या होते हैं? इसमें जीन्स इसमें हमारे में हमारे माँ बाप के जीन्स में आते हैं उससे। तो क्या होते हैं कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके माँ बाप बोने होते हैं तो उनके बच्चे भी बोने ही होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, है ना? और जो टॉल होते हैं पेरेंट्स तो वो बच्चे भी टॉल होते हैं, तो ये सब जीन्स की वजह से होता है। तो आज चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम जेनेटिक्स, ये उसी के बारे में। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है? जीन्स की जो पढ़ाई अच्छा होती है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है? तो बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी मतलब जो फीचर्स हमारे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होते हैं, और वेरिएशंस मतलब चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है? वो उन सब की पढ़ाई जो होती है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जो जेनेटिक्स वर्ड है वो बैटिसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1905 में, और दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड कॉल्ड जीन। तो जीन्स जो होती है हमारी, जीन्स के जीन से ही हमने इस वर्ड को निकाला है जेनेटिक्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय गैमेट्स। तो हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। किसके थ्रू होते हैं? गैमेट्स के थ्रू। कौन कौन से गैमेट्स होते हैं? मेल गैमेट फीमेल गैमेट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा था? मेल गैमेट सेल सेल पंप हाँ, और फीमेल गैमेट। एग हाँ, एग। तो ये जो हमारे गैमेट्स होते हैं इनकी वजह से हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। ये जो ट्रांसमिशन होता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स का पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंटल जनरेशन मतलब हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनके जो न्यू बॉर्न्स हैं, तो उसमें जो ट्रांसमिशन होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। द टर्म हेरिडिटी वाज कॉइन्ड बाय स्पेंसर इन 1863। अब जेनेटिक्स जो था वो तो किसने दिया था? बैटसन ने दिया था, और हेरिडिटी वर्ड स्पेंसर ने दिया था 1863 में। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर द मियोसिस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो सेम स्पीशीज में ही होता है। अब कोई ह्यूमन बॉडी और कुत्ते का बच्चा तो नहीं हो सकता ना, तो सेम स्पीशीज होनी जरूरी है, तभी हमारे फीचर्स जो है वो आगे ट्रांसफर हो सकते हैं। और मियोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस मतलब जो अपन ने पढ़ा था ना कि जाइगोट एम्ब्रियो, जाइगोट वाला जो कन्वर्जन था कि जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है, तो अपन ने पढ़ा नहीं था कि जो जायगॉट होता है वो आगे 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 बढ़ता, मतलब खुद ही में टूटता सर जाता है और फिर वो आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और कर फिर बॉडी बनने डेवलप होती है। अब आता है मेंडेलिज्म। जॉर्ज जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज द मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इनहेरिटेंस पढ़ा था ना अपन ने कि ड्वार्फ और टॉल प्लांट की ब्रीडिंग हुई, तो ड्वार्फ प्लांट हुआ, वो पढ़े ना कि इसमें प्लांट्स का इनहेरिटेंस वही है। इनहेरिट इसमें जो पहले सबसे पहले ना पौधों में इनहेरिटेंस हुआ था, पौधों में कैसे इनहेरिटेंस हुआ था कि अलग अलग स्पीशीज उठाई थी पौधों की और उनको फिर क्रॉस ब्रीड करा था, फिर देखा था कि रिजल्टिंग प्लांट कौन सा होता। तो मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में इन सिलिसन विलेज
Hens and Duff, State of Australia. In 1842, after receiving a degree in philosophy, he became a priest in the Church of Brunn, town of Austria, in 1843. Mendel performed hybridization experiments on the garden pea, Pisum sativum, for 7 years, 1856 to 1863. So Mendel ने hybridization process experiment किया था कौन से प्लांट पे, पी वाले प्लांट पे, मतलब मटर के दाने, मटर वाला जो पौधा होता है उसमें। 7 साल तक उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उसके अलग अलग फिर रिजल्ट्स आए थे। उसने ये सारे जो रिजल्ट्स उसने आए थे उसका उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था और उसने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इनको उसने अपना रिसर्च पेपर दिया था, प्रेजेंट किया था। In 1866, these experiments were published in the society's annual proceedings entitled "Experiment on Plant Hybridization." अब इस society ने अपना इनका paper छापा था और उस paper का नाम लिखा था "Experiments on Plant Hybridization." On the basis of these, हेलो मैम, मेंडल प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच आर नोन एज मेंडलिज्म। मेंडल डाइड ऑन जनवरी 6, 1884। तो ये जो इनहेरिटेंस के इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे गार्डन पी पे, वो इन्होंने उसका नाम इन्होंने मेंडलिज्म दिया था, जो लॉज इन्होंने निकाले थे इनहेरिटेंस के। और मेंडल का डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1884 में। अब मेंडल सक्सेस कैसे हुआ, इन्होंने जो पी प्लांट पे इन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। इन्होंने एक एक कैरेक्टर पे काम किया। फॉर एग्जाम्पल टॉल कैरेक्टर पे पहले देखा एक्सपेरिमेंट करके, फिर ड्वार्फ पे करा, मतलब एक कैरेक्टर पे एक ही बार में काम किया, एक साथ दो दो कैरेक्टर्स पे नहीं काम किया। मेंडल मेंटेन्ड द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मतलब कि हम एक बार देखे थे जो ग्राफ होता है ना, जो हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करते, बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे डेटा को स्टडी करके ग्राफ ड्रॉ करे जाते हैं ना, उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसके बाद जो डेटा उसने फेच करा, उस इंफॉर्मेशन और डेटा को उसने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा और फिर उन ग्राफ वगैरह से उसने बाद में एनालाइज करा, फिर स्टडी करा। मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटीरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली। मेंडल ने एक प्लांट मटेरियल को बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया। उसने मटर का ही क्यों चूज किया, पी प्लांट ही क्यों चूज किया, तो उसने उसके भी बहुत स्टडी किया था कि मैं कौन सा प्लांट लू एक्सपेरिमेंट करने के लिए। प्लांट्स तो और भी बहुत सारे थे, चाहे तो वो कोई भी ले सकता था, पर उसने प्लांट मटेरियल सेलेक्शन भी बहुत केयरफुली करा। अब सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट क्यों किया वो दिया। मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज पी प्लांट इज एनुअल। एनुअल मतलब मिल जाता है, जो पूरे साल, हाँ पूरे साल जो उगाया जा सके। Therefore, it was possible to study many generations in a short duration. इस वजह से क्या हो रहा था कि छोटे ही टाइम में हम इसे बहुत सारी जनरेशंस को इसकी स्टडी कर पा रहे थे। उसके बाद है इट वॉज इजी टू गेट प्योर लाइन और होमोजेनस प्लांट्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ द बायसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये जो पी प्लांट्स होते हैं जनरली वो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब देखो इसका ना मैं वो देख रही थी फोन में एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल। तो एक तो पी होता है एनुअल प्लांट, वाटरमेलन, मेज मतलब भुट्टा, कॉमन वीट, कॉमन वीट मतलब जो हमारा आटे के गेहूं होता है वो कॉमन वीट, ठीक है, और
ये सारे हमारे एनुअल प्लांट्स होते हैं. एनुअल प्लांट इज अ प्लांट दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विद इन वन ग्रोइंग सीजन एंड देन डाइज. अच्छा, एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल ना एक ही ईयर में खत्म कर लेते हैं. जैसे कि वो प्लांट फिर वापस से नहीं देगा. जैसे अगर भुट्टे अभी आ रहे हैं ना, तो भुट्टे का प्लांट इसी साल भुट्टे देकर मर भी जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. फिर हमें नए प्लांट्स बार बार उगाने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल एक ही साल में खत्म कर देता है, इसलिए हम इसको एनुअल प्लांट्स कहते हैं. तो पी जो है हमारा एनुअल प्लांट है, इसकी वजह से इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, क्योंकि वो थोड़े टाइम में तो उसकी डेथ ही हो जाएगी. तो हमने पूरी लाइफ साइकिल देख ली उसकी, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही कौन से स्टेज पर क्या क्या हो रहा है. इट वॉज इजी टू गेट प्योर लाइन और होमोजाइगस प्लांट बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ द बायसेक्सुअल फ्लावर्स. तो हमें बायसेक्सुअल फ्लावर्स थे इसके. बायसेक्सुअल मीन्स इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इजीली मिल रहा था पी प्लांट में, तो इसलिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट में मेल गैमेट भी मिल गया और फीमेल गैमेट भी मिल गया, तो दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं है हमें. तो बायसेक्सुअल फ्लावर का ये फायदा होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी ये एक दूसरे से बढ़ते जाते हैं. ठीक है, पॉलिनेशन पता है ना क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन जो हमारे फ्लावर्स होते हैं. हाँ, एक प्लांट से एक होता है पोलियम. मतलब ये जो हमारी बर्ड्स होती हैं और ये सब बटरफ्लाई वगैरह होती हैं, तो ये क्या करती है, पोलन ग्रेन्स उठाती है एक फ्लावर की और दूसरे वहां पे दूसरे प्लांट में छोड़ देती है. तो इससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है. इससे दो गैमेट्स मिल जाते हैं, तो फिर हमारा प्लांट आगे ग्रो करने लगता है. और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है. बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इसमें, तो उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों है पी प्लांट में. तो उसको उसमें वो उसपे वो बर्ड्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे नहीं डिपेंड पॉलिनेशन के लिए, वो अपने प्लांट में ही सब कुछ कर लेता है. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय एनकैप्सुलेशन टेक्निक. एनकैप्सुलेशन टेक्निक एक बार देखती हूँ मैं क्या है. ऐसा कुछ तो नेट पे ही दिया हुआ है जिन्होंने बुक में दिया. क्रॉस पॉलिनेशन तो वही हो गया कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स जाते हैं और फिर जर्मिनेशन होता है. देखो, क्रॉस पॉलिनेशन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच स्पर्म लेडन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द एग बियरिंग फ्लावर ऑफ अनदर. ठीक है, तो एक पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है. अब ये इसका मीन्स कुछ भी हो सकता है. ये बटरफ्लाई से जा सकता है, बटरफ्लाई उठा के लेके जा सकती है, बर्ड लेके जा सकती है, या एयर विंड की वजह से हो सकता है. ठीक है, तो ये देखो इसमें दिस मूवमेंट ऑफ पोलन में अकर बाय विंड बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स. बीज बर्ड्स बैट्स ये सब पोलन ग्रेन्स लेके जा सकते हैं. ठीक है, ये देखो ये बी जो थी वो इस फ्लावर का पोलन ग्रेन लेके इस फ्लावर पे चली गई. तो ऐसे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो.
ये देखो ये हैंड पॉलिनेशन है, इसमें क्या हो रहा है हम खुद से कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह करते हैं ये, या तो ये इन्होंने पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठाए ब्रश की मदद से, ब्रश में सारी चिपक जाएंगे पोलन ग्रेन्स और फिर दूसरी जगह इन्होंने भेज दिए। ये देखो बर्ड्स पोलन ग्रेन्स लेके जा रही हैं, तो ये सारा होता है एनकैप्सुलेशन। मैं कल और देख लूंगी, वैसे नेट पे तो कुछ दिया नहीं है एनकैप्सुलेशन का, इसमें देख लेते आगे दिया है। Various contrasting characters are present in pea plant. Contrasting characters मतलब different, मतलब opposite characters जो contrast कर रहे हो एक दूसरे को। जैसे कि देखो rounded है तो wrinkled है, yellow green color of seed आ रहा है, violet white, मतलब different है, opposite characters देखने को मिले अलग अलग experiment में। Tall dwarf axial terminal, तो ये सारे हमें अलग अलग characters मिले हैं। अब देखो इसमें शेप ऑफ सीड्स की फोटो दी हुई है कि कौन राउंडेड रिंकल्ड मींस जिसमें झुरियां सी हो, और मटर भी एक होता है ना जिसमें हल्की सी झुरियां सी होती है, रिंकल्ड होता है, और एक एकदम राउंड होता है, तो ये सारे फीचर्स हैं। Allelomorph, alternate form of gene which controls any one character is called allelomorph. Example, height of the plant is controlled by a gene which has two alleles, T, tallness and dwarfness. तो allelomorph किसे कहते हैं, जैसे height है वो कौन सी जीन से define होगी, T से, T मतलब tallness and small t मतलब dwarfism, तो मतलब letter हम एक ही use करेंगे, ठीक है, उसको एलिलोमॉर्फ कहते हैं कि एक कैरेक्टर हम एक पर्टिकुलर एलील से डिफाइन करते हैं। जैसे हाइट जो है वो टॉलनेस और ड्वार्फनेस से ही डिफाइन होगी, हाइट किसी और कैरेक्टर से नहीं डिफाइन होगी, राउंड रिंकल से आप हाइट नहीं बता सकते हो, ठीक है, तो ये एलीलनेस होता है, ठीक है, कि जीन दैट कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, एक जीन एक ही कैरेक्टर को डिफाइन करती है, जैसे कि टॉलनेस वाली जो जीन है वो सिर्फ टॉलनेस डिफाइन कर रही है, ड्वार्फनेस वाली जीन ड्वार्फनेस डिफाइन कर रही है, इसको हम एलिलोमॉर्फ कहते हैं। एलिलोमॉर्फ मींस वन जीन विल कंट्रोल वन कैरेक्टर। होमोजाइगस, व्हेन टू एलील्स ऑफ अ जीन आर सिमिलर द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। टी टी कब होगा, जब हमारा दोनों पेरेंट जो है वो टॉल है, ठीक है, और स्मॉल टी कब होगा, जब दोनों पेरेंट्स ड्वार्फ है, पर हम एक स्मॉल टी रो टी हो तो वो अगला वाला हेटरोजाइगस, जिसमें देखो एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, उसको हम हेटरोजाइगस, वो कैसा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, उसमें बीच की हाइट होती है, जैसे एक बहुत लंबा और एक छोटा है, तो फिर अगर हेटरोजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया तो फिर वो ना तो ज्यादा लंबा होगा ना ज्यादा वो ड्वार्फ होगा, बीच की हाइट निकलेगी उसकी। अब आता है फेनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फेनोटाइप। अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है, उसको फेनोटाइप कहते हैं। जैसे होमोजाइगस में टी टी है तो बहुत ज्यादा टॉल होगा, और हेटरोजाइगस में बड़ा टी और छोटा टी दोनों है, तो हमारा हाइट जो है वो ना ज्यादा लंबी ना ज्यादा छोटी। अब आता है जेनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जेनोटाइप। अब जेनोटाइप क्या है कि हमारे जीन्स कौन कौन सी है उसको जेनोटाइप कहते हैं। जैसे होमोजाइगस में हमारी जीन्स कौन कौन सी है, टॉल ही है सिर्फ, और हेटरोजाइगस में हमारी एक टॉल जीन है और एक ड्वार्फ जीन है, तो हेटरोजाइगस को ना हम इम्प्योर कहते हैं। इम्प्योर क्यों है ये, क्योंकि इसमें मिलावट हो गई है, ठीक है, इसलिए हम इम्प्योर कह रहे हैं हेटरोजाइगस। डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक पेरेंट काला था और एक गोरा था, पर बच्चे में जो है वो काला रंग आ गया, तो ये क्या हो गया, ब्लैक कैरेक्टर ने डोमिनेट किया चाइल्ड में, तो ये डोमिनेट कैरेक्टर होता है जो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है द कैरेक्टर विच। अब इसमें जो है एफ वन जनरेशन में ऐसा होता है इसकी पी प्लांट की, ये देखो यहाँ पर
जनरेशंस में बीवी के हैं। ये है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉल टॉल और ड्वार्फ ड्वार्फ, ये फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो यहाँ पे जो है ये हेटरोजाइगस कॉम्बिनेशन हो रहा है, इम्प्योर कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा टी क्या है, डोमिनेट है, और छोटा टी जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा कैरेक्टर जो है वो बेसिकली टॉल आएगा। yes, अब ये F2 जनरेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो, इसका एक टी और ये टी जब मिल रहे हैं तब तो टॉल हो रहा है, ये टी जब स्मॉल टी से मिल रहा है तब भी टॉल हो रहा है, ठीक है। जो जब भी बड़ा टी छोटे टी से मिलेगा तब हमेशा टॉल ही होगा, क्योंकि जो बड़ा टी है वो डोमिनेट है, डोमिनेट कर रहा है वो छोटे वाले टी को, पर जब दोनों ही स्मॉल टी मिलेंगे तब ड्वार्फ होगा, पी प्लांट, ठीक है। अब आता है रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो कि अपने को रिफ्लेक्ट नहीं करते चाइल्ड में। जैसे कि बड़ा टी और छोटा टी मिल रहा है तो टॉल हो रहा है पी प्लांट, तो छोटा वाला टी तो अपने को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है ऑफस्प्रिंग में, तो वो छोटा वाला टी क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, क्योंकि इट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड, तो जिसमें एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको मोनो हाइब्रिड कहते हैं, और जिसमें टू कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं उसको डाई हाइब्रिड कहते हैं। ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। ठीक है सर, 3 कैसे होते हैं? 3 कैरेक्टर जैसे कि दिखाती हूँ, पॉली हाइब्रिड में मैनी कैरेक्टर्स होते हैं, ये देखो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? मैम ये प्लांट्स में भी होता है या सिर्फ ह्यूमंस में भी होता है, सिर्फ प्लांट होता है? नहीं प्लांट्स भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड कैसे होगा, यहाँ तो दो ही गैमेट्स हैं खाली, मेल फीमेल, तो उनके कैरेक्टर्स आएंगे सारे। देखो यहाँ पे ये डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड में ये वाला जो कैपिटल वाई और ये जो डबल वाई डबल आर है छोटा वाला, ये है ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स है,
और दूसरा है येलो राउंड सीड्स, तो ये जब मिल रहे हैं तो इनके गैमेट्स इन्होंने बनाए हैं कि वाई, एक तो देखो ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर, फिर वाई और ये बड़ा वाला आर, फिर वाई आर छोटा वाला दोनों, और फिर कैपिटल वाई और छोटा वाला आर, तो इन्होंने ये पेयर्स बना लिए ऐसी। अब इन गैमेट्स ही क्या होगी, फ्यूजन होगा, तो कैपिटल वाई और ये सारे मिलेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो अब ये इन्होंने डाई हाइब्रिड दिखाया है जिसमें हम दो तरह के स्पीशीज की क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो ये डबल वाई डबल आर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, येलो राउंड हो जाएगा, और डबल यहाँ भी येलो राउंड होगा। जो छोटे वाले हैं सारे, जैसे कि ये लास्ट वाला, ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स क्या है हमारे, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। जिसमें भी कैपिटल आ रहे हैं देखो वो सारे डोमिनेट कर रहे हैं, इसी इसकी वजह से येलो हो रहा है। और जो हमारे रिसेसिव है, अब देखो ये वाला, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, अब इसमें देखो तीन रिसेसिव आ गए, ये दो छोटे वाले रिसेसिव है और ये एक स्मॉल आर लास्ट वाला रिसेसिव है। अब जहाँ पे तीन रिसेसिव आ गए तो एक की वजह से तो डोमिनेट हो नहीं पाएगा, कैपिटल आर तो हमारा एक ही है, तो इसलिए हमारा एक ग्रीन हो गया। यस मैम, तो ये डाई हाइब्रिड बताया, अब ये ट्राई हाइब्रिड है। अब इसमें तीन येलो हैं और वन ग्रीन है, तो यहाँ पे थ्री राउंड और वन रिंकल निकलेगा, यहाँ भी थ्री राउंड एंड वन रिंकल। थ्री राउंड में थ्री टॉल एंड वन डॉफ एंड वन रिंकल, थ्री टॉल वन डॉफ, वन डॉफ थ्री इंटू वन इंटू वन इंटू येलो रिंकल डॉफ। देखो इसमें अच्छा बताया ट्राई हाइब्रिड, तीन थ्री जीन्स का ये ट्राई हाइब्रिड है। देखो इसमें थ्री जीन्स है ए बी डी, ठीक है, हेलो यस मैम, और ये भी ए बी डी, तो ए बी डी और ये सारे जब मिलेंगे कैपिटल है ये सारे, तो यहाँ पे तो ये येलो ही होगा। यस मैम, उसके बाद देखो जिसमें भी कैपिटल ज्यादा है वो सारे येलो हुए, क्योंकि हमारे वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। जिसमें हमारे स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं वो दूसरे कलर के होते जा रहे हैं, तो ये मतलब इसमें क्या हो रहा है, थ्री जीन्स मिल रही है, थ्री जीन्स एक एक प्लांट की दूसरे के थ्री जीन्स से मिलती है, तो ये इसमें टोटल जीन्स कितनी हो जाती है क्रॉस, सिक्स हो गई है टोटल,
जब तुम ट्राई हाइब्रिड डाई हाइब्रिड बताओगे ना, तो ऐसे एक टेबल बना देना जिसमें ऊपर भी तीन, जैसे ट्राई में तो ऊपर भी तीन और यहाँ कोने में भी तीन रखना, यहाँ भी तीन वर्ड्स लेना, यहाँ भी थ्री, और इनका फ्यूजन कर करके बता देना। और फिर मतलब जिसमें भी तुम्हारे स्मॉल लेटर्स ज्यादा हो उसको ग्रीन बना देना, और जिसके जिसमें स्मॉल लेटर्स कम हो उसको येलो बना देना, ठीक है। और डाई हाइब्रिड में क्या करोगे, टू टू वर्ड्स ले लेना, जैसे ए बी ले लिया, ठीक है ना। मोनो हाइब्रिड में वन ले लेना, जैसे खाली ए ए बी बी, ठीक है, ऐसे मोनो हाइब्रिड दिखा देना। तो ये तो तुम दिखा ही सकते हो, पेपर में जगह भी भर जाएगी थोड़ी सी, ये टेबल बनाओगे तो। ऐसे पॉली हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें कि हमारे बहुत सारे जीन्स का फ्यूजन होता है, बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं। फिर है टेस्ट क्रॉस, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 जनरेशन जो है हमारी वो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस होती है। देखो यहाँ पे जैसे ये हमारी F1 जनरेशन है, ये जो है रिसेसिव पेरेंट से कैसे क्रॉस हो रही है कि ये देखो, ये वाला जो इसका क्रॉस हो रहा है लास्ट वाला, मतलब ये जो तीन हो रहे हैं ये सारे किससे हो रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट से हो रहे हैं। रिसेसिव पेरेंट कौन सा है, स्मॉल टी है, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, जहाँ पे हमारे एक तो हमारा डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। और डोमिनेंट कहाँ पे जनरेट हो रहा है, F1 जनरेशन में। फिर आता है ब्लैक क्रॉस। ब्लैक क्रॉस क्या होता है, back cross, such type of cross in which F1 generation is crossed with one of the two parents. अब इसमें क्या होता है, हम इसमें ये नहीं देख रहे कौन सा recessive है, कौन सा वो है dominant है। इसमें इसमें F1 generation की crossing किसी भी दोनों में से हो सकती है, capital T से भी हो सकती है, small T से भी हो सकती है। back cross में reciprocal cross, reciprocal cross में क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस में, ये वाला जो होता है ना जिसमें दोनों टी हमारे कैपिटल हैं, इसको मेल कंसीडर करते हैं अपन, ठीक है। और जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं इसमें फीमेल कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरे के जब क्रॉस हो रहा है, इस क्रॉस के बाद जो क्रॉस हो रहा है उसमें जो कैपिटल टी वाला है वो फीमेल हो रहा है, और बी प्लांट जो है हमारा जो स्मॉल टी वाला है वो मेल हो रहा है, इसलिए इसे हम रेसिप्रोकेट करना कह रहे हैं। जैसे रेसिप्रोकल मैथ्स में क्या होता है, 3/4 का 4/3 हो जाता है रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं ना मैथ्स में, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। पहले हमने बड़े वाले टी को मेल कर दिया, छोटे वाले टी को फीमेल गिन लिया। दूसरे केस में हमने जब हमारी एक जनरेशन हो गई तो अगली जनरेशन में हमने बड़े वाले टी को फीमेल कर लिया काउंट और छोटे वाले टी को मेल कर लिया। पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन होता है जो प्लांट्स जिनके क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं उसको पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। फिर आता है F1 जनरेशन, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड F1 जनरेशन। देखो जैसे कि यहाँ पे ये टॉल प्लांट एक पेरेंट है, ड्वार्फ प्लांट एक पेरेंट है, इनके इनके क्रॉसिंग से जो प्लांट जनरेट हुआ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारा हाइब्रिड टॉल जो है, हाइब्रिड टॉल कह रहे हैं। हाइब्रिड टॉल क्यों है, क्योंकि एक इसमें ड्वार्फ के भी फीचर है थोड़ा सा, तो ये टॉल तो है पर इतना टॉल नहीं है जितना हमारा इसका मेल इसका पेरेंट प्लांट था, तो इसलिए हम हाइब्रिड वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मिक्स है। तो हाइब्रिड टॉल जो है हमारा F1 जनरेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स की मेटिंग हुई है उससे हमारा प्लांट जनरेट हुआ है। मोनो हाइब्रिड टॉल, द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
सॉरी एफ टू जनरेशन रह गया. द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एफ वन जनरेशन इज कॉल्ड एफ टू जनरेशन. अब F1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स हमारे जनरेट हुए हैं उनकी जब मेटिंग होगी तब उसको हम F2 जनरेशन कहेंगे. देखो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ये बन गया था हाइब्रिड टॉल. ये अब इसके इससे हमने ये हमारे फीमेल गैमेट ये बना और ये मेल गैमेट बना, क्योंकि ये तो दोनों एक कैपिटल टी थी एक स्मॉल टी थी, तो इससे मेल फीमेल में भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा. अब जो इसकी मेटिंग होगी वो जो अब जनरेट हो रहे हैं हमारे ये चार रिजल्ट, इसको F2 जनरेशन कहेंगे. यस मैम. मोनोहाइब्रिड रेशियो, मोनोहाइब्रिड रेशियो वो रेशियो होता है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मिलता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके क्या मिलता है हमें, एक ए बी मिलेगा, ए बी मिलेगा, एक ए और ऊपर से एक, तो दो ही कैरेक्टर्स का वो मिलता है. डाई हाइब्रिड में कितने मिलते हैं, कितनी जीन्स मिलती है डाई हाइब्रिड में, दो, दो कैसे चार मिलती है ना. वो टेबल देखो ना, टेबल में या कॉलम में भी टू होंगी और ऊपर भी टू होंगी, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो ए ए बी बी होगा ना डाई हाइब्रिड में. और ट्राई में कितने होंगे, तो छह. अब आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इसका एक वीडियो दिखा देख लेते हैं, तुम एक बार एनिमेशन देखोगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देश लड़ रहा है, मेरे देश का हर इंसान लड़ रहा है. वीडियो अटक रहा है. वीडियो में आवाज अटक रही है. Of modern day genetics. We have seen so far that Mendel crossed a purple flowered plant with a white flowered plant. He then collected the seeds and grew new plants from them. Astonishingly, he found that all the offsprings had purple colored flowers. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर्स के थ्रू बताया है. यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, पर्पल है. और इस और ये रिसेसिव कैरेक्टर है. देखो सारे प्लांट्स हमारे पर्पल ही हुए हैं, पर्पल है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो आया है सब में. नाउ ऑन क्रॉसिंग दीस प्लांट्स अमंग देमसेल्व्स
Mendel surprisingly obtained अब ये F2 generation हुई है, ये तो F1 हुई थी, अब इसमें crossing हो रही है. तो अब इसमें क्या है, 3:1 का ratio आया है. तीन तो हमारे purple ही आए हैं, एक white आ गया. तो 3:1 का ratio आया है F2 generation. मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में. उसने क्या पता किया कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में. F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है. यस मैम. देखो F1 जनरेशन में राउंड सीड और रिंकल्ड सीड जब मिले तो हमारी कौन सी जनरेशन हुई है, राउंड हुई है सारी, क्योंकि डोमिनेंट राउंड है यहाँ पर. ठीक है. यस मैम. बाकी तो हमारे प्लांट्स वही आए, पर्पल ही आए, पर एक जो है अब इसने एक जो हमारा F1 जनरेशन की मेटिंग जब उससे पहले जो हुआ था वाइट फ्लावर, वो कैरेक्टर हमारा आगे एक्सप्रेस हो गया F2 जनरेशन में. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन आया कि जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है या F2 में, तो क्या बोलोगे? इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस होता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर, दूसरा सप्रेस हो जाता है. सप्रेस मतलब दब जाता है. ठीक है. Factors as genes or alleles now. We will have a detailed look at what genes mean in our upcoming parts. For now, let's focus on Mendel's work. In today's terms, Mendel said that some
genes are always expressed irrespective of the other. These are called dominant genes. The others, which are suppressed, are referred to as recessive genes. So why did the recessive genes not express themselves in the F1 generation? And how did they get expressed in the F2 generation? Let's understand this with the help of a theoretical explanation of this cross. Let's consider letter P written in uppercase as the allele that is factor in Mendel's terms for the purple colored flower. And the white colored flower will be represented with the allele P written in lowercase. Now, the first cross included purple flowered plant and a white flowered plant. So this is how we can represent this crossing. Any idea why have we used the letter P twice here? It's simple. The green bee plant is a diploid plant. What does diploid mean? We have always come across the saying that humans have 23 pairs of chromosomes. That's because the chromosomes in us are always in pairs. Each set has one chromosome from each parent. This is nothing but the diploid nature. So when organisms have two sets of chromosomes, they are referred to as diploid organisms. Getting back to green peas, there are two sets of genes in it. That is why we use the letter twice to represent both the allelic forms. So here, PP written in uppercase will represent the purple color of flowers, while PP written in lowercase will represent the white color of flowers. Now in this cross, the gametes, which are nothing but the reproductive cells, will be formed like this, and the cross will yield us this result. How? This combination, this one, then this one, and this is the last one. देखो इसने बताया है कि वाइट कैसे हो रहा है F2 जनरेशन में, ठीक है. तो F1 जनरेशन में तो हमारे अभी F1 जनरेशन बताया है जिसमें देखो गैमेट्स की पीपी के दोनों डबल पी आ गए, स्मॉल पी वालों के दोनों स्मॉल पी आ गए. अब इनकी क्रॉसिंग करिए, तो एक इसका उठाया और एक इसका उठाया, तो एक कैपिटल पी यहाँ से आ गया, एक स्मॉल पी यहाँ से, तो इसलिए देखो सारे ही हमारे पर्पल आए हैं, क्योंकि सब में एक कैपिटल पी है, और एक कैपिटल पी होने का मतलब डोमिनेंट फीचर हमारा पर्पल का है. अब F2 जनरेशन में वो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमारा एक वाइट आ गया था. देखो F2 जनरेशन में ये भी पर्पल आया है क्योंकि दोनों कैपिटल पी है, ये भी पर्पल क्योंकि एक पी कैपिटल पी, इसमें भी एक कैपिटल पी है, पर ये देखो लास्ट वाले में जब मेटिंग हुई तब हमारा दोनों ही स्मॉल पी आ गए, इसकी वजह से हमारा लास्ट वाला जो था वो वाइट आया था F2 जनरेशन. समझ आ गया? Now, as we can see here, these three offsprings have at least one dominant gene. That is the reason why each of these is a purple flowered plant. Now, in this case, both the genes are recessive, that means no gene to dominate the trait. As a result, the plant expresses the recessive trait, that is, white colored flowers. This was the simplest way to explain Mendel's results. Dominant genes are those which are expressed in homozygous and heterozygous forms. On the other hand, recessive genes are those which can be expressed only when present in homozygous.
heterozygous? We know that the term homo means the same and hetero means different. So homozygous means the set of genes are same, both either dominant or both recessive. For example, PP and PP are both homozygous forms. Heterozygous is exactly opposite of this. It simply means both the forms are different. So here, PP represents the heterozygous form, one dominant, one recessive. So, the dominant alleles are expressed in both homozygous and heterozygous forms, while recessive alleles can be expressed when present only in the homozygous forms. ये आ गया ना समझ में होमोजाइगस हेटरोजाइगस? This was just an introduction to Mendel's experiments. Let's have a look at one more example and a few more terms in genetics in the next part. These are seen not the cross of the character, but the flower color is carried out. In this part, let's get started. But before that, let's understand the cross of one more character and get the arrow with it. Before beginning any such experiment, we need to make sure that the variants selected are homozygous in nature. So let's see if you wish to cross two organisms with some fate near the age. The dominant form has to be AB, while the recessive form has to be AB. Now, the recessive form will definitely be homozygous. But we know that the recessive character is expressed only when it's in the homozygous form. देखो इसमें क्या कह रहे हैं वो कि रिसेसिव जो हमारा फीचर होता है वो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है. फॉर एग्जांपल जब दोनों टी हमारे स्मॉल होते हैं तभी तो ड्वार्फ होता है ना. जब एक कैपिटल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है तब क्या होता है? टॉल होता है. मतलब हमारा रिसेसिव फीचर तब नहीं शो होता क्योंकि वो हेट्रोजेनस हो गया. हेट्रोजेनस क्या होता है? जिसमें एक दोनों में मिल अलग अलग होते हैं हमारे. एक कैपिटल होता है, एक ड्वार्फ होता है. यस मैम. एक टॉल होता है, एक ड्वार्फ होता है, वो हेट्रोजाइगस होता है. तो हमारा जो हमारा रिसेसिव फीचर होता है वो हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस होता है, ये याद रखना. यस मैम. यस मैम. AA in uppercase as well as AA one in upper and the other in lowercase can give us a dominant case. So it could be homozygous or heterozygous. Now, how are you supposed to know whether the organism considered for crossing is homozygous or heterozygous for a particular character? For this, we have the concept of pure line. Pure lines are nothing but the descendants of these after inbreeding for several generations. No way. It's easy to understand this with an example. Let's say we have this particular breed of dogs. Both these have genes for a good coat on their skin, CC. So, both these dogs may have the gene CC, both in uppercase, or CC, that is, one in upper and the other in lowercase. On crossing these two dogs, we get these offspring. Clearly, the genes are passed this generation. Now, on crossing any of the two dogs from this same progeny, तो
तो ये यहाँ तक आ गया ना समझ में, डायहाइड्रेट रेशियो तक कर लिया अपन ने। यस मैम। ओके, अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से कल से पढ़ेंगे, ठीक है? यस। ठीक है, चलो बाय।